हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंडर में रेशियो बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, उसका एक पार्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, मतलब कि जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उससे कितना हमको रिटर्न मिलेगा। इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और ये काफी ही इंपॉर्टेंट रेशियो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछते हैं एग्जाम में, चाहे तो क्लास 12 हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमकॉम हो। अब होता क्या है कि बच्चे इसमें पढ़ते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या इसमें किया जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें हैं। आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताई जाएंगी, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है पहला इसमें ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा है शेयर होल्डर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वन बाय वन हम समझते हैं, चलिए अब देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले पे। फार्मूला देखिए, जो तीन हमने बताया आपको, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, फार्मूला एक रहेगा, बस डिवाइडेड बाय ये चेंज हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह जो पूछेगा या जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो नीचे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो नीचे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, शेयर होल्डर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो नीचे हम शेयर होल्डर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला जो इसका है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो जितने भी मेथड है या जितने तरीकों से निकाला जाता है सब में आफ्टर टैक्स होता है, बट जब कैपिटल एम्प्लॉयड हम फाइंड करेंगे तो वहां पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड होगा। मतलब हमको वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से ना तो इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया हो, ना तो टैक्स का, ना तो डिविडेंड का, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स। अब इसका यह मतलब नहीं कि फिक्स असेट करंट असेट असेट साइड का पूरा टोटल लिख लेंगे, नहीं, असेट्स का टोटल नहीं लिखना है, वहां पे हमको जो नॉन करेंट असेट्स होता है मतलब फिक्स असेट्स और करंट असेट्स को ही लेना है। असेट्स के टोटल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, फिक्टिशियस असेट जिसको कह सकते हैं, वो सारी चीजें होती है, तो उनको हमें नहीं लेना है, हमें केवल नॉन करेंट असेट और करेंट असेट को ही लेना है। अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करें तो यहाँ पे फिक्स असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब फिक्स असेट और करंट असेट को ऐड करके करंट लायबिलिटी को हम करेंगे माइनस, या इसको लिख सकते हैं फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। चलिए एक नजर डालते हैं शेयर होल्डर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पे। चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होता है। ये अंडर इट द करेंट लायबिलिटी एज वेल एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर डिडक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स, मतलब फिक्स असेट्स और करंट असेट का जो टोटल होगा उसमें से हम करंट लायबिलिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को भी कर देंगे माइनस। जैसे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए सिर्फ करंट लायबिलिटी को माइनस किया गया था, यहां पे करंट के साथ साथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को भी माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो शेयर होल्डर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।